हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता अभिरुचि। आज हम बनाएंगे बेलपूरी, जो है बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट। 5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है बेलपूरी की रेसिपी। पहले मिक्सिंग बॉल लीजिए, उसमें बेल डालिए। बेल डाल के 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून से ज़रा कम हल्दी। जब आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो या चटपटा खाने का मन किया तो ज़रूर खाइए बेलपूरी। अपने चैनल में कोई न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मिक्स करने के बाद में इसमें हम बिग साइज टमाटो बारीक काट के लेना है। उसके बाद बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई मिर्ची, पुदीना बारीक कटा हुआ, धनिया, कड़ी पत्ता 1 कप तक बूंदी, सेव मिक्स किया हुआ, बारीक सेव, मूंग की दाल 2 टेबल स्पून, चूड़ा 2 टेबल स्पून। अपने पास जो भी नमकीन हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं। कैच का चाट मसाला 1/2 टीस्पून तक, हाफ टी स्पून पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। आप किसको भी बना के खिलाएंगे तो उसको भी यकीन नहीं होगा कि ये घर पे बनाया रेसिपी है, उतनी टेस्टी है फ्रेंड्स। इस तरह अच्छी तरह मिक्स कीजिए। ऐसे मिक्स होने के बाद में खटाई के लिए नींबू का जूस 1 टेबल स्पून तक डालकर मिक्स कीजिए। खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है फ्रेंड्स, खट्टा मीठा टिक्का। देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट्स में रेडी हो चुका है बेलपूरी। सर्विंग प्लेट में लेकर सर्व करना है। बच्चों को इवनिंग टाइम में ब्रेकफास्ट दे सकते हैं बेलपूरी। बेलपूरी बहुत स्वादिष्ट है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा ये बेलपूरी। कंपलसरी ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, फटाफट झटपट ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए टेस्ट कैसा है बेलपूरी का। बेलपूरी खाते समय अपन ऊपर से ऑनियन, दाल, बूंदी, नींबू का रस सब ऐड करके खाएंगे तो बहुत टेस्ट आएगा। मार्केट से भी सुपर है बेलपूरी। बेल वाले भैया देते हैं, देखो ऊपर से पापड़ी ऑनियन डालकर, ऐसे डालकर अपने बच्चों को देंगे तो उन्हें तो लगेगा ये मार्केट से लाया हुआ है बेलपूरी। इतनी स्वादिष्ट टेस्ट है फ्रेंड्स। जब हमें कुछ खाने का मन नहीं करता तो उस टाइम पे कंपलसरी बेलपूरी बनाइए और खिलाइए भी। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय फ्रेंड्स।